हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन एंड हार्वेस्ट मिलेटर 22 की वेस्टर्न वाइल्ड सीरीज के लास्ट गेम प्ले में आपका वेलकम है। तो वेस्टर्न वाइल्ड सीरीज के ऊपर हमने एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है पूरे मैप के ऊपर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही जायकेंटिक किस्म का। तो उसमें हमने प्लांट किए थे सनफ्लावर, तो सनफ्लावर अपने जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट हो चुके हैं सारे के सारे। तो आज हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी काम है आज करने वाले, तो वो भी करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें सेल करनी है, तो वो भी सेल करेंगे। एंड उसके बाद फिर आज का गेम प्ले एंड ये सीरीज जो है उसको एंड कर देंगे, एंड फिर नेक्स्ट गेम प्ले इसको नई सीरीज चालू करेंगे। तो चलिए चलते हैं हार्वेस्टर के पास अपने, एंड एक एक करके हार्वेस्टर को चालू करते हैं एंड अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो पैसे जो आप देख सकते हैं लास्ट गेम प्ले से काफ़ी सारे इंक्रीज हो चुके होंगे। उसका कारण ये है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेल कर दी हैं जिनकी अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सीरीज एंड कर देंगे तो फिर आज लास्ट गेम प्ले में जो है हमको सिर्फ हार्वेस्टिंग करनी है एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें सेल करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम जो कुछ फालतू चीज़ें हैं उनको सेल कर देते, फालतू तो नहीं लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर सेल आइटम में तो कुछ नहीं है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम थोड़ा सा ही सामान है एंड इसको भी सेल कर देते हैं। एंड अरे यहाँ पर एक ही हेडर दिख रहा है, ये दो हेडर और भी तो थे ना, वो क्यों नहीं शो हो रहे वहाँ पर? ये हेडर भी वैसे ही थे, मैंने सोचा इनको सेल, क्योंकि सनफ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए हेडर दूसरे चाहिए होते हैं, लेकिन ये सिस्टम को समझ में नहीं आया यार मुझे। चलो फिर इनको उठाकर मैं रख देता हूँ, उठाकर मतलब रख नहीं देता, उठाकर इनको वर्कशॉप में ले जाता हूँ एंड वहाँ से सेल कर देता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या वो सिस्टम है, मतलब जो भी चीज़ें हमने खरीदी हुई हैं वो वहाँ पर शो तो होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इस तो इनको खड़ा, एंड यह भी यहाँ पर मैंने ट्रक भी खड़ा किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको भी सेल करना है। ये जो मिल्क टैंक है अपना, इसको भी सेल कर देते हैं क्योंकि आज मैं एक बड़े वाला लूँगा जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो चलिए सेल हो गया, तो इसको तो बाद में सेल कर देंगे। फिलहाल अपनी हार्वेस्टर में चलते हैं क्योंकि हमको सबसे पहले अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए पहले हम हार्डर खरीदते हैं। तो ये हैं सनफ्लावर हैडर, सनफ्लावर हार्वेस्ट करने वाले हैडर। तो ये मैं लीज पर ही ले लेता हूँ, खरीदने की जरूरत नहीं है। तीन ले लिए मैंने लीज पर क्योंकि तीन हार्वेस्टर है अपने पास। तो सबसे पहले इसके पीछे, इसके आगे अटैच करते हैं एक बढ़िया सा हेडर एंड इसको लेकर चलते हैं। एंड इसको हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ से, इस तरफ से जाकर, तो ये सीधा सीधा चल जाएगा एंड हार्वेस्टिंग कर देगा स्टार्ट। अनफोल्ड कर लेते हैं हेडर को, जब तक हम जो है इसको सीधा करके लगाते हैं तब तक ये अनफोल्ड हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ आज की हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद पहले तीनों हार्वेस्टर को हम लगा दूंगा, मैं हेल्पर लगा दूंगा। उसके बाद फिर और काम है सेल करनी है चीज़ें, जैसे मिल्क तो सेल करना ही करना है क्योंकि अपनी काउज ने मिल्क प्रोड्यूस किया है, वो सेल करते हैं। उसके अलावा काउज, उसके अलावा हमारी मुर्गियों ने अंडे दे रखे काफ़ी सारे, वो भी सेल कर देंगे। एंड उसके अलावा फिर, एंड यहाँ पर टेक्सचर देखो कितना बढ़िया आ रहा है नीचे। तो हम चलते हैं दूसरी हार्वेस्टर में। तो ये हार्वेस्टर आपको मैंने लास्ट गेम प्ले में देखा ही होगा आपने, लास्ट गेम प्ले में हमने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मोड लगाया है मैंने, बहुत ही शानदार मोड है ये। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर की है। 1.5 लाख लीटर सामान इसके अंदर आ जाता है एक बार में, 1.5 लाख लीटर मतलब कोई भी क्रॉप आप हार्वेस्ट करो इसके अंदर आ जाती है। कोई भी क्रॉप तो नहीं आती, खैर जो क्रॉप हम हार्वेस्ट कर सकते हैं तो वही आती है, लेकिन हाँ क्रॉप जो है हार्वेस्ट करते हुए इसके साथ इसके मतलब आ जाती है। उसको इस तरफ से लगा देते हैं एंड अड़ गया यार। चल तो उसको पहले थोड़ा सा हम हार्वेस्टिंग करके मैं उस तरफ ले जाता हूँ, है ना, सीधा सीधा हो जाएगा वहाँ से। यहाँ से तो अगर मैं लगाऊंगा तो आगे चलकर फील्ड के अंदर घुस जाएगा, तो सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो इसको मैं दूसरी तरफ ही ले चलता हूँ। इस हेडर की लेंथ जो है वो दूसरे हेडर से छोटी है, जो मतलब जिसके साथ हम दूसरी क्रॉप हार्वेस्ट किया करते थे, मतलब वो दूसरी जो वीट, बारले, सोयाबीन, सोरगम, कनोला, वो सारी क्रॉप जो हमने हार्वेस्ट की थी, वो जो हेडर था उसकी लेंथ 15 मीटर की थी एंड इसकी 12 मीटर की है। तो उसके मुकाबले 3 मीटर लेंथ छोटी है इसकी, तो इसलिए थोड़ा टाइम इसका ज़्यादा लगेगा उससे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हार्वेस्टर बड़े हैं, इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ चलते हैं ये, तो मुझे लगता है हो जाएगा धीरे धीरे करके। वैसे भी गेम प्ले तो मुझे कट ही करना होता है क्योंकि गेम प्ले के अंदर तो मैं सारा कुछ शो नहीं कर सकता, इतना टाइम लगता है, इतना बड़ा फील्ड है। हालांकि मैं नेक्स्ट सीरीज जो शुरू करूँगा उसमें शायद मैं थोड़े फील्डों को ध्यान रखूँगा, ज़्यादा लंबे बड़े फील्ड ना बनाऊँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारा ऑफ द कैमरा वर्क करना पड़ता है एंड ऑफ कैमरा वर्क का कोई भी
फायदा नहीं है, क्योंकि आपको, और ये क्या था यार, उड़ गया हवा में, लाल लाल सा था कुछ, आई थिंक वो जो साइन से पड़े होते हैं वहाँ पर, वो था कौन पड़े होते हैं। तो इसको ले चलते हैं हम इस तरफ, इसको इस तरफ से लगाएंगे हम। एंड अरे यार यहाँ पर भी एक हेडर पड़ा हुआ है, इसको भी बेचना था। वैसे तो चलो पड़ा रहता है, इसकी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन इसको बेच ही देता हूँ मैं, है ना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वैसे तो पैसे 43 मिलियन है अपने पास, 43 से बल्कि 44 होने पड़े हैं। तो चलिए इसको सेल कर देते हैं। अरे मैं अटक कहाँ गया, ये रहा, तो इसको भी सेल कर देते हैं। ये रहा, तो ये है अपना हेडर, एंड इसको भी, ट्रैंक को भी सेल कर ही देते हैं। फिर मैं नया ले लूँगा, नया तो नहीं लूँगा, खैर लीज पर लूँगा एक, क्योंकि हमको मिल्क सेल करना है। तो मिल्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मैंने कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी, इसलिए जो उसमें काउज ने मिल्क बहुत ज़्यादा दे दिया, हालांकि वो फुल नहीं हुआ इस बार, क्योंकि आपको पता है कि पहले उसकी कैपेसिटी थी 60,000 लीटर की, तो उसमें 60,000 लीटर दूध आ जाता था, मिल्क मतलब 60,000 लीटर आ जाता था, उसके बाद फिर बस बंद हो जाता था मिल्क आना। लेकिन इसके बाद मैंने उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, तो इंक्रीज़ कर दी मतलब उसके अंदर मैंने एक दो और टैंक इंस्टॉल किए हैं, जिस वजह से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क जो है वो आ रहा है। तो उसका फ़ायदा ये है कि अभी हम ज़्यादा मिल्क सेल कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 60,000 लीटर कैपेसिटी होती थी उस मिल्क की, तो उसके बाद काउज जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी, मतलब करती तो थी, मतलब उन्होंने तो मिल्क प्रोड्यूस करना ही करना है, लेकिन क्योंकि उसमें जगह ही नहीं होती थी स्टोर करने की, तो वो वेस्ट होता जाता था। मतलब हमारे पास तो 60,000 लीटर ही होता था, जब तक हम उसको वहाँ से निकालेंगे नहीं, वो वहीं पड़ा रहता था, मतलब नया मिल्क नहीं आ पाता था। तो इसलिए मैंने फिर जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, तो अभी उसमें 1,20,000 लीटर शायद कैपेसिटी हो गई है, डबल कर दी थी मैंने, तो इसलिए उसमें भी ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी हेल्पर लगा दिया। एंड ये देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है हेल्पर, एंड ये देखो कहाँ से, इसने देखो इतनी जल्दी दो चक्कर काट भी दिए, एंड ये भी लगा हुआ है अच्छे से। एंड मैं दूसरों को भी देख लेता हूँ, दूसरा कहाँ पर है, ये रहा, ये भी लगा हुआ है अच्छे से, बढ़िया काम कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे काम कर लेते हैं, ये हेल्पर तो लगे ही रहेंगे तब तक, एंड हम चलते हैं एंड कोई और काम करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक मिल्क टैंक जो है लीज पर लेते हैं। तो ये वाला जो मिल्क टैंक है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें 2.5 लाख लीटर लिक्विड आ सकता है एक बार में, कोई भी लिक्विड आप इसमें भर लो अगर, मतलब चाहे मिल्क हो, वाटर हो, सलरी हो, डाइजेस्टेड हो। तो चलिए मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जितनी को करनी थी अपने हिसाब से कर लिया, तो अभी इसको मैंने ले लिया लीज पर, ज़्यादा महंगा नहीं है, एंड हमारे जितना को काम है ना, थोड़ा ही काम है हमारा, सब कुछ सेल ही करना है हम, क्योंकि लास्ट गेम प्ले है हमारा। तो सबसे पहले हम काउच का मिल्क सेल कर देंगे, उसके बाद फिर शायद सैलरी भी हम सेल कर देंगे, क्योंकि सैलरी भी पड़ी हुई है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जाना तो हमको है ही है, तो जाने से पहले पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो सके हम सेल कर जाएंगे। हालांकि मैं चीज़ें तो बहुत हैं सेल करने के लिए, मैं जो हूँ तो सारी हार्वेस्टर सेल कर दूंगा, लेकिन इतना कुछ सेल करने का फ़ायदा नहीं है, तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि सब कुछ सेल कर, हालांकि जब हम इस सीरीज को छोड़कर जाने ही वाले हैं, तो हम सेल तो सब कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर मिल्क दिख तो नहीं रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है, मुझे लगा शायद इसके अंदर आने लगेगा मिल्क। तो इस बार आप देख सकते हैं मिल्क, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख लीटर की है, तो इसलिए मिल्क इसमें आता जा रहा है, आता जा रहा है। एंड यहाँ पर ये हेल्पर अपना जो है लगा हुआ है, एंड यहाँ पर ये भी लगा हुआ है। एंड तब तक हम इस ट्रक को लेकर चलते हैं, एंड ये ट्रक तो नहीं है खैर, ये एक तरह की जीप टाइप की कह सकते हैं आप, कार है या जीप जो भी कह रहे हो यार इसको, तो ये इसको लेकर चलते हैं, इसके अंदर हम मैनर भर लेते हैं। अब ये चीज़ें अटक जाती हैं रास्ते में, खैर चीज़ें तो रास्ते में नहीं है, मैं ही उसके बीच में ठोक देता हूँ, चीज़ें तो बेचारी जब से मैंने प्लेस की हैं वो यही हैं तब से। तो चलिए इसको, ये देखिए यहाँ से भरने लगा मिल्क, सॉरी मिल्क नहीं यार, मैनर, मैनर यानी कि गोबर, तो अपनी काउज ने जो गोबर किया हुआ है सारा, तो वो है, तो उसको सेल कर देंगे, क्योंकि एंड यहाँ पर भी है। एंड ये देखो गाइस इसमें कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, एंड ये देखो अंदर जो ये टैंक लगे हुए हैं ना, ये मैंने प्लेस किए थे, तो इसमें अभी तो देखो 1 लाख से भी ज़्यादा आ गया यार, आई थिंक ये दूसरे टैंक में से खींच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, तो दूसरी तरफ, हाँ अभी हुआ ख़त्म, तो शायद दूसरे में से इतना नहीं आएगा मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो पहले मैं इसको सैली कराता हूँ, दूसरे को फिर निकालेंगे, है ना,
तो पहले इसको सेल कर देते हैं, देखते हैं कितने का बिकेगा। तो चलिए पहले इसको बेचते हैं। लास्ट टाइम जब 50,000 लीटर हम मिल्क सेल किया करते थे, तो अब 1,18,000 के आसपास बिक जाता था, या 1,36,000 के पास बिकता था। तो आज देखते हैं कितने का बिकता है। तो बस अराउंड लगभग बिकने ही वाला है अपना सारा मिल्क, मुझे लगता है 5 लाख हो जाएगा। अरे नहीं यार, 5 लाख तो नहीं होगा, कितना है? हाँ, 3,88,000। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर भी बहुत है हमारे पास, तो पैसा ऑलरेडी बहुत है, तो ये भी इतना हमारे लिए प्रॉफिट ही है। जितना आगे उतना कम है, लेकिन बहुत है। सब्र का इंसान सब्र नहीं करता आजकल, लालची इंसान है। तो चलिए अभी इस तरफ लाते हैं एंड यहाँ से भरते हैं अपना मिल्क, देखते हैं इसमें कितना को मिल्क है। मुझे लगता है शायद इसमें उतना नहीं होगा जितना उसमें था। तो चलिए गाइस, जैसे मैंने आपको कहा ही था कि शायद उसमें इसलिए मिल्क ज़्यादा आ गया क्योंकि उसने इस वाले से खींच लिया मिल्क, तो वही कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें से कितना कम मिल्क आया है, मतलब होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन क्योंकि शायद जो मैंने नए मिल्क टैंक प्लेस किए थे जिसके से इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी, उस वजह से दिक्कत ये हो गई कि उसने दोनों तरफ से ही मिल्क को कुछ, मतलब सिस्टम इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि दो काउच के जो बाड़े लगाए हैं मैंने बहुत ही आसपास लगा दिए, इसलिए शायद ये दिक्कत है। एंड ये सेलिंग स्टेशन भी मैंने खुद ही लगाया था चीज़ें सेल करने के लिए, इसमें प्राइस तो उतना ही आता है जितना दूसरे में होता है, लेकिन ये क्या है कि इसको जहाँ मर्जी हम लगा लो सेल करने के लिए सामान। तो ये मैंने लगाया था क्योंकि मुझे आज सेल करने हैं डाइजेशन सॉरी सलरी एंड मैनर। तो मैनर और सलरी सेल करने के लिए इस मैप के ऊपर कोई सेलिंग स्टेशन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये खुद ही लगा दिया, तो इसके ऊपर मैनर एंड सलरी सेल हो जाएगा। तो चलिए ये वाला मिल्क सेल होने देते हैं पहले तो फटाफट से। चलिए हो गया ये सेल, तो ठीक है अभी हम चलते हैं एंड दूसरी चीज़ें जो बेचनी है उनको लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम अपनी सलरी जो है काउच की है उसको भर लेते हैं इसके टैंक के अंदर। तो पहले दूध हमने सेल कर दिया है, तो अभी दूध वाले टैंक के अंदर ही सलरी भरने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत सलरी दूध मिक्स सा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना वो चल जाता है। और वैसे भी सलरी जो है वो कौन सा, मतलब उसका यूज तो फर्टिलाइजर वगैरह में ही होता है, हालांकि हम खुद भी उसको अपने खेत के ऊपर डाल सकते थे जिस तरह से इस माइनर को भी डाल सकते थे जो अभी हम बेचने जा रहे हैं, लेकिन यू नो मतलब लास्ट गेम प्ले है तो उसको खेत के ऊपर डालकर फ़ायदा भी क्या होगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको सेल कर दें। तो चलिए पहले तो इसको फटाफट से करते हैं सेल, देखते हैं ये कितने का बिकता है। हालांकि ये बहुत ही सस्ता होता है, बहुत हद से ज़्यादा सस्ता बिकता है, तो मुझे लगता नहीं ये कोई 15-20 हज़ार से महंगा बिकेगा, बाकी देख लेते हैं। एंड फटाफट बिक रहा है, आई थिंक ये 15 के आसपास का बड़ी मुश्किल से बिकेगा, कहीं उससे भी कम का बिकेगा। चलो छोड़ो, जितने का बिकेगा होंगे क्या है, फ्री का चीज़ थी ये, तो हमको तो मिल्क मिला था। तो यहाँ पर एक पड़ा हुआ था अपना टैंक, उसको मैंने रीसेट कर दिया एंड हेल्पर रुक गया, उसको क्या हुआ। एंड ये देखो, ये तो 15 का भी नहीं बिका यार, 12 हज़ार का बिल्कुल ही सस्ता बिक रहा है। तो चलो मैं अभी बड़े वाला टैंक ले आया हूँ, उसके अंदर 2.5 लाख लीटर मैनर आ जाएगा, तो इसको भर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए गाइस अपनी सलरी का टैंक जो है वो फुल हो गया, तो इसको लेकर चलते हैं फटाफट से, इसको सेल कर देते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो सलरी है 2.5 लाख लीटर ये कितने की बिकती है। अभी 2.5 लाख लीटर है तो अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने की बिक रही है। तो चलिए कर दिया स्टार्ट अनलोडिंग। तो चलिए बस बिकने वाली है फटाफट से, मैं तो काफ़ी सारे बीच में मैं कट कर रहा हूँ, यू नो बीच में से मतलब मैं कट कर रहा हूँ, कर दूंगा एक्चुअली, अभी तो किया नहीं है, लेकिन हाँ जब एडिट करूँगा तो मैं बीच में से कट करते रहूँगा। तो 27,000 की बिक गई है ये, तो पहले मैंने आपको बता रखा है कि बीच में से कट करने का कारण क्या है कि यू नो गेम प्ले ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं अभी मेरी सीधा सा मेरा हिसाब किताब हो गया कि आधे घंटे के आसपास का ही गेम प्ले रखना है, यू नो 26-28 मिनट का, या ना 30-30 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 31 या 32 मिनट का बस, क्योंकि पहले मैंने कई बार बना बना कर देखे हैं लंबे बड़े गेम प्ले, यू नो 50 मिनट के 55 मिनट के, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होता नहीं है उनका। हाँ जो जिनको पसंद आते हैं मेरे गेम प्ले वो तो डेफिनेटली उनको देखते ही हैं, जैसे सुधांशु भाई हैं एक, जिनका चैनल का नाम है चांदनी जी लाइफ स्टाइल, तो वो जो हैं भाई
तो मैं बात कर रहा था कि लंबे गेम प्ले बनाने की, तो हमारे एक सुधांशु भाई हैं, वो जो है गेम प्ले देख लेते हैं, उनको लंबे गेम प्ले भी अगर होगा तो वो देख ही लेंगे, क्योंकि यू नो वो अपने चैनल के काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो देख लेते हैं। लेकिन कई ऐसे बंदे भी हैं जो नए हैं, तो उतना लंबा गेम प्ले देखने में उनको पसंद नहीं है। मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं भी काफ़ी सारे यूट्यूबर के गेम प्ले वगैरह देखता हूँ, इंग्लिश यूट्यूबर हैं जैसे डैगर विन हो गया, मिस्टर सिलीपी, तो मैं लंबे गेम प्ले भी पसंद कर लेता हूँ। जैसे मिस्टर सिलीपी के गेम प्ले अक्सर 50 मिनट 55 मिनट के होते हैं, तो मैं वो अक्सर वो सब पसंद करता हूँ। लेकिन डैगरविन के गेम प्ले छोटे होते हैं, 20-25 या आधे घंटे के ही होते हैं, 20-25 मिनट के होते हैं या आधे घंटे के। तो अपना अपना हिसाब किताब है हर किसी यूट्यूबर का, तो मैंने अभी थोड़े छोटे गेम प्ले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उस टैंक में तो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी फटाफट से इस टैंक में मैनर भर लेते हैं। तो चलिए गाइस, ये अपना सलरी का टैंक फिर से फुल हो गया, तो इसको जाकर बेच देते। तो मैं ऐसे अभी ऐसा करता हूँ यार कि मैं ऑफ द कैमरा सारा कुछ बेच पास देता हूँ, जो कुछ भी अपना मैनर सलरी वगैरह। एंड मैं अभी मिलूँगा आपसे डायरेक्ट तभी जब अपना सारा का सारा सनफ्लावर जो हार्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा गेम इधर उधर की चीज़ें हैं जो मैं ऑफ द कैमरा कर देता हूँ फटाफट से। मैं मिलता हूँ आपसे फिर। तो चलिए गाइस, वेलकम बैक। एंड काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है जब मैं आपसे लास्ट मिला था, हालांकि आपके लिए तो शायद ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मैंने तो लास्ट गेम प्ले भी रिकॉर्ड किया था, वो 2 दिन पहले किया था, एक दिन बीच में खाली चला गया। एंड अभी मैं वापस आया हूँ, तो मैंने सारा का सारा सनफ्लावर जो है वो हार्वेस्ट कर दिया है एंड इसके अंदर भर दिया है। तो इस बार मैं नए तरीके से सेल करने वाला हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने इस यहाँ पर एक बेल्ट लगा ली है, कन्वेयर बेल्ट कहते हैं इसे। तो इसके साथ हम आज सेल करेंगे अपना। एंड ये बंद क्यों हो गया भाई, इंजन बंद हो गया, सॉरी। तो ठीक है, तो चलो होने लगी ये सेल। एंड अभी ये होती रहेगी जब तक सारी की सारी अपनी ये सेल नहीं हो जाती। तो मैं अभी थोड़ा सा साइड में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। एंड आप पैसे देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड जो है इंक्रीज कर दी है अपने स्क्रीन की, ताकि जल्दी जल्दी बिकने लगे सामान, यू नो। तो देखो यार कितनी फास्ट पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो फटाफट से होने देते हैं इसको। तो चलिए गाइस, मैं तब तक ऐसा करता हूँ, अपने कुछ बचा पड़ा है, कहाँ गया ये रहा। तो चलिए इसको लेकर आ गया हूँ मैं, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। सामान क्या होता है यार, मैं भी क्या बोल जाता हूँ कभी कभी। मेरा मतलब इसके अंदर काफ़ी सारा सनफ्लावर पड़े हुए थे, सनफ्लावर फुल टैंक बचा हुआ था। तो मैं इसको जाकर इस पीले वाले टैंक, अपनी जो टैंक है इसके अंदर अनलोड कर देता हूँ। मुझे लगता है इसके अंदर पहले भी सनफ्लावर पड़े हुए हैं, तो सारा तो शायद होगा नहीं। अरे हो क्या रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैंने पीछे था। ठीक है चलो, होने लगा सेल अभी। तो इस टैंक को मैं फुल भर देता हूँ अपनी, मतलब पीले रंग वाली जो गाड़ी है इसको। एंड उसके बाद जो बचेगा उसको भी जाकर फिर मैं वहीं उस साइलो में डाल दूंगा जहाँ से डायरेक्ट अपना सेल हो रहा है। एंड पैसे देख सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 46 मिलियन हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना हो चुका है, ये हो चुका है कितना होता है, 465,50,000। ये यार इंक्रीज होता जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। मतलब 45 मिलियन, 50 मिलियन तो हो जाएगा मुझे लगता है, आराम से हो जाएगा। अभी देखते हैं उससे कितना ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फटाफट से मैं लेकर चलता हूँ इसको, फिर देखते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर, वो टैंक अपना फुल हो चुका है 2.5 लाख लीटर कैपेसिटी वाला। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये पता नहीं अभी डायरेक्ट उसके अंदर जाने लगा है या कहाँ जा रहा है, हो सकता है ये डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट के अंदर ही गिर रहा हो, लेकिन शायद ना भी गिर रहा हो, क्या भी क्या पता इसका। नहीं शायद ये साइलो के अंदर ही गिर रहा है, उसके अंदर तो नहीं गिर रहा। अभी देखते हैं, तो खाली हो गया। मैं उसको कन्वेयर बेल्ट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर ये देखो अट गया इसके अंदर। तो थोड़ी सी नई सीरीज की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सीरीज जो हम खेलने वाले हैं। तो अगर भाई आपके पास कोई सजेशन है, कोई आपका फेवरेट मैप हो, या कोई ऐसा मैप जो आपने किसी यूट्यूबर को खेलते देखा और आपका दिल करता हो यार वो मैप के ऊपर आप हिंदी गेम प्ले देखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो मैप जो है अवेलेबल हुआ प्ले स्टेशन के ऊपर, तो मैं ज़रूर खेलूँगा, क्योंकि कई मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीसी के ऊपर खेले जा सकते हैं, प्ले स्टेशन पे ऊपर नहीं। और मैं प्ले स्टेशन पर खेलता हूँ, इसलिए अगर वो मैप प्ले स्टेशन पर अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा। तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एक सीरीज तो मेरी जो है वो फिक्स ही है, वो होगी 100 मिलियन चैलेंज की। तो अलेग्रेंट वाली सीरीज बंद कर दी है मैंने, एंड ये सीरीज भी आज जो है बंद हो जाएगी।
तो उसके बाद दो सीरीज मैं नई चालू करने वाला हूँ। एक सीरीज तो मतलब मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है उसकी, दूसरी की सीरीज की तैयारी अभी मैंने नहीं की है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कमेंट करके बताइए कौन सा आपका पसंदीदा मैप कोई हो, कोई आपका कोई भी वैसे कोई चैलेंज हो आपके लिए कि भाई ऐसा चैलेंज करो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, पैसों का चैलेंज तो मैं ऑलरेडी करने ही वाला हूँ, 100 मिलियन चैलेंज, जो कि मैंने सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, उसको आज मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ। आज नहीं, सॉरी, मतलब नेक्स्ट गेम प्ले जो आएगा शायद उसका आएगा, तो उसके अंदर मैं प्रोडक्शन चेन करूँगा, फैक्ट्रियाँ लगाऊँगा, ग्रेन मिल, बेकरी, ऑयल मिल, शुगर मिल, इस तरह की सारी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे हम, एंड फिर धीरे धीरे करके सारा सामान बनाएंगे, बेचेंगे। तो वो तो सीरीज एक चलने ही वाली है, उसके अंदर पैसों का चैलेंज होगा 100 मिलियन का। तो दूसरी सीरीज को लेकर आपका कोई भी आपके मन में हो भाई इस तरीके की सीरीज चालू करो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार सिंपल सीरीज हमें चालू करनी चाहिए न्यू फार्मर से, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गाइस, काफ़ी सारे अंडे यहाँ पर मैंने अपनी मुर्गियों ने जो दिए थे उसको भी मैंने इसके ऊपर भर के रखा हुआ था, भर के नहीं मतलब इसके ऊपर लोड किया हुआ था, तो फटाफट से इनको भी ले चलते हैं। मुझे लगता है थोड़े से अंदर पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं फटाफट से लोड कर लेता हूँ। काफ़ी पड़े हुए हैं यार अभी तो, ये एक्चुअली टाइम काफ़ी लग गया था इनको लोड करने में, तो इसलिए मैंने कुछ कर दिए थे, कुछ रह गए, तो फटाफट से इनको रख देते हैं। एक अंडा 7,000 लीटर, एक अंडा नहीं सॉरी, एक पैलेट जो है इसके अंदर 7,000 लीटर अंडे हैं, 7,000 पीसीस लिखा हुआ है। हाँ, मतलब पीसीस कह लो या अंडे कह लो एक ही बात है। तो अंडों का हिसाब तो मुझे ज़्यादा पता तो है नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं हूँ, क्योंकि हालांकि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक लेयर फार्म बना हुआ है, मुर्गियों का लेयर फार्म, तो वो अंडे ही बेचता है, एंड वहाँ पर क्रेट पड़ी होती है अंडों की, क्रेट्स, एंड वो बेचता होता है, सुबह सुबह आ जाते हैं उसको लेने अंडे। कई बार मैं वहाँ से निकलता हूँ रास्ते से, तो वहाँ पर अंडे बेचने बेच रहा होता है वो, लेकिन मैं तो खैर हाथ भी नहीं लगाया कभी इन चीज़ों को, तो खाना तो दूर की बात है। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, यहाँ पर कोई धक्का वो नहीं है, मैं अपनी बता रहा था, आपकी अपनी चॉइस होती है। तो चलिए, हो लगभग हो गए अनलोड अंडे सारे, तो लेकर चलता हूँ मैं इनको, एंड करते हैं इनको सेल। तो जो भाई अपने अंडे खाने वाले होते हैं वो आएंगे, वहाँ से खरीद लेंगे, मैं इनको ले चलता हूँ, वहाँ जाकर भेज देता हूँ। तो अगर आपको भी अंडे खाने हैं, आपको भी अंडों को कोई ऑमलेट वगैरह बनानी है, तो आप फटाफट से चलिए, यहाँ पर मैं इसको बेचने वाला हूँ, मैं इसे जाकर उनको खरीद लेना। एंड अगर आप डायरेक्ट मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो फिर मुझे आप कॉन्टैक्ट करिए, नीचे कॉन्टैक्ट कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं इनको भी सेल, एंड देखते हैं ये कितने के बिकते हैं, एंड कितना को बीच में हमारे योगदान दे देते हैं। ये सनफ्लावर तो लगातार बिक ही रहे हैं 51 मिलियन हो चुका है, क्या 60 मिलियन हो जाएगा? चलो पहले तो इनको बेचता हूँ, फिर पता चलेगा। एंड यहाँ दे देखो, ये स्पीड देखो कितनी बढ़ गई है, अंडे अंडे बेचने की वजह से पैसे बढ़ गए हैं, मतलब फटाफट से। तो 52 मिलियन तो शायद अभी हो जाएगा इसको बेचते ही, लेकिन टोटल कितना होगा ये आज पता चलेगा जब हम सारे के सारे अंडे सेल करेंगे। तो फटाफट से, तो चलिए, अरे यार ये पीछे कहाँ गिर गई, अभी ये उठ जाएगी कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया यार, इसका क्या बनेगा अभी, ये तो हिल ही नहीं रहा है, इसके टायर तो नीचे लग गए, अभी ये हिलेगा भी कैसे? ओह शिट, ये तो नहीं हिला, अभी थोड़ा सा हिला था। अभी ये देखो गाड़ी के टायर घूम रहे हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं, चलो इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ हाथ से ही उठाकर इनको बेच देता हूँ, फिर ये स्ट्रैप हटा देता हूँ पहले, तो इनको ऐसे ही बेच देता हूँ थोड़ा सा आगे करके। बिक जा, चलो ये तो बिक ही गए हैं, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, तो अभी इसका क्या करें, ये फंस गई। चलो वैसे इसको छोड़ ही देते हैं, हमारा तो आज गेम प्ले लास्ट होने वाला है, तो इसके बाद वैसे ये सीरीज बंद हो जाएगी। तो चलो यार, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, ये नहीं आ रही मेरे साथ साथ, तो
तो इसको छोड़ देते हैं, अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। गाड़ी लेकर कहाँ जाना है यार, यहीं तो खड़ा करना है इसको, तो फटाफट से इस गाड़ी को खड़ा करते हैं। देखते हैं कितना को सनफ्लावर रह गए हैं अपने साइलों के अंदर। एंड ये देखो लगातार बिक रहे हैं पैसे, देखो 53 मिलियन हो चुके हैं, बस 54 मिलियन होने ही वाले हैं। एंड आज कितने का सामान अब तक हम बेच चुके हैं एक बार चेक करते हैं। एंड आज अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अबे कहाँ गया, यहाँ पर ठीक है, सोल्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है 15 मिलियन, 15 मिलियन नहीं सॉरी 15 लाख। तो मतलब 15 लाख के तो हमने अंडे बेच दिए हैं। एंड यहाँ पर हमने हार्वेस्ट इनकम हमारी अब तक हो चुकी है कितनी है, ये 7 मिलियन हो गया, थोड़ा सा मुझे, हाँ 7 मिलियन 8 लाख है, मतलब 78 लाख है टोटल, 78 लाख। एंड दूध हमने यहाँ सेल किया 5.5 लाख का, तो बहुत सारा पैसा आज हमने कमाया है। इसके अंदर कितना बच गया, अभी तो 15 मिलियन बचा हुआ है यार, 15 मिलियन सॉरी 15 लाख। तो चलिए यार, मैंने टाइम को कर दिया काफ़ी आगे, एंड बीच में से मैंने काफ़ी सारा कट कर दिया है। एंड अभी बस ये बिकने ही वाला है, कुछ ही देर में बस एंड होने वाला है। चलिए हो गया एंड, तो अभी हमें पता चलेगा आज हमारी टोटल कितने की सनफ्लावर बिकी है, बस आने ही वाला है फिगर हमारे सामने। एंड चलिए 14 लाख, अरे यार 14 मिलियन सॉरी 14 मिलियन 88 लाख 5,608, अभी 88 लाख तो नहीं है यार, ये मतलब 148 लाख। अभी यार क्या है ये, मेरे को मेरा मैथ थोड़ा सा अजीब ही है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। मतलब चलो कुल मिला के हमारे पास 60 लाख हो चुके हैं। तो आज का गेम प्ले यहीं एंड करते हैं, कैसा लगा आपको जरा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना यार कि नेक्स्ट सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, कौन सी सीरीज का शुरू करूँ, कोई मैप आपका फेवरेट हो, कुछ भी मतलब आपकी नेक्स्ट सीरीज को लेकर सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। एंड आज का गेम प्ले यहीं एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नए गेम प्ले के साथ, नई सीरीज के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।